पर यहाँ पर हादसा हो गया। यहाँ पर बहुत सारी वारदातें होती हैं 12 बजे के बाद, लड़कियाँ घर से बाहर निकलने ऑब्वियसली सेफ महसूस नहीं करती हैं। कि जिस हिसाब से ये सरकार चल रही है उस हिसाब से इनका सूबड़ा साफ होगा, नेक्स्ट भी सरकार आएगी, देखिए जीतेगी तो आम आदमी पार्टी, मेरे को ऐसा लगता है। दिल्ली सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, वो भी जब उनके बस में मेट्रो में हो, कुछ भी आरोप लगा सकता है, उसके लिए कोई मना थोड़ी। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहिए? मैम घूसखोर आदमी है वो, दिल्ली सरकार का हाल तो बड़ा बेकार है। सबसे पहली चीज हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं NCR समाचार, साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं करोल बाग विधानसभा में मौजूद हूं, यहां से विधायक हैं विशेष रवि जो कि आम आदमी पार्टी के, और लगातार 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है, फ्री की सुविधाएं भी दे रही है। तो सीधा आपको बताएंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए इस बार दिल्ली की जनता क्या चाहती है, बदलाव करेगी या फिर से आम आदमी पार्टी को रिपीट करेगी। तो सीधा यहाँ पर करोल बाग की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है डोमन कुमार। अच्छा। और आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम करती है। 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, 10 साल में कितना विकास करा उन्होंने? अच्छा विकास, बहुत विकास हुआ। क्या क्या विकास? रोड रहा, क्या कहते हैं, बस का, महिला के लिए, पानी बिजली सारा चीज बहुत अच्छा रहा। पानी बिजली फ्री है? फ्री में। अच्छा, जैसे कि करोल बाग विधानसभा है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ गड्ढे भी देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है। जहाँ तक मेरा क्षेत्र की बात है, हाँ। तो सही है। आपका क्षेत्र कौन सा? यही है। यही है यहाँ पर आपको दिखानी सामने गड्ढा है? देखिए थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं होता है, देखिए हाँ। तो पूरा तो बिल्कुल नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत है, कहीं तो सुधार हो जाएगा। जरा मैं विशेष अभी कैसे विधायक अच्छे सुनते हैं समस्या कोई भी होती जी। अभी जैसे बीच में पानी की किल्लत चली दिल्ली में, पानी नहीं मिल रहा था लोगों को, पानी गंदा आ रहा था, यहाँ पर दिक्कत थी वो? हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत थी, बाकी फिर सुधर गई। अच्छा, आपने कहा आम आदमी पार्टी आएगी, पर आम आदमी पार्टी पर वहाँ पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा है। हाँ वो लोग तो नहीं बता सकते उस सब चीज़। आरोप लगाने वाला कुछ भी आरोप लगा सकता है, उसके लिए कोई मना थोड़ी। अच्छा, कौन आरोप लगा? बीजेपी आरोप लगा रही है, और कौन लगाएगी? बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं। तो कहने वाला तो करे ना, बहुत कुछ कहेगी, उससे क्या मतलब है? भ्रष्टाचारी अगर ओरिजिनल है तो फिर सरकार इतना देर क्यों कर रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? देखिए करोल बाग विधानसभा का मैं सर्वे करने के लिए आई थी और यहाँ पर देखिए सड़क पर यहाँ पर हादसा हो गया, यहाँ पर बातचीत, यहाँ पर जो है लोग, यहाँ पर ट्रैफिक आप देख सकते हैं जिस तरीके से दिल्ली सरकार कहती है कि ट्रैफिक जैम नहीं मिलता, पर यहाँ पर आपको ट्रैफिक जैम भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपस में टक्कर हुई है, लड़ाई भी हो रही है, भिड़ंत भी हो रही है। तो उसी का जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या हो रहा है यहाँ पर। और विशेष रवि जो कि यहाँ से विधायक है आम आदमी पार्टी से, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। दिल्ली सरकार ने, मैं वैसे सरिता बिहार का हूँ, यहाँ करोल बाग रहता हूँ। दिल्ली सरकार का हाल तो बड़ा बेकार है। सबसे पहली चीज हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। अच्छा। और दूसरी चीज लाइट का जो सीन है वो बहुत अच्छा था पहले, हाँ। अब उस हिसाब से मुताबिक जो चीजें थी वो हो नहीं पाई है, मतलब ये बोल सकते हैं दिल्ली सरकार इज डिक्रीजिंग डे बाय डे एंड नाउ वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अभी जैसे सड़क पर कोई, आपने क्या देखा वहाँ पर, क्या हो रहा था? मैम एक्चुअली वहाँ पे एक बंदा था, उसने उनको पैसे नहीं दिए तो उसके यहाँ पे उनका सामान लेके जा रहा था, उन्होंने ट्रांजेक्शन का फेल हो गया। हम यहाँ एक नेटवर्क का इशू देख पा रहे हैं ऐसा 3-4 दिनों से कि वहाँ पे क्या है कि मतलब SBI का जो अकाउंट है उससे फेलियर हो रहे हैं। अब या तो उससे नेटवर्क का इशू, या तो इससे में सेटेलाइट या कोई सीन है, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो चल रहा है। और अगर आप रही बात दिल्ली सरकार की बात करें तो बहुत बुरा हाल है। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहिए? मैम घूसखोर आदमी है वो, घूसखोर आदमी है। हाँ जी, हमारे यहाँ से बिजली का टैक्स, हमारे यहाँ से पानी का टैक्स लेके वो अपने घर का स्विमिंग पूल बनाता है, अपने घर की चीजों को बनाता है, बंगलो बनाता है, घर बनाता है, हर चीज करता है। कॉरिडोर देखिए उसका, राइट हैंड बैक हैंड, आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि दिल्ली सरकार किस तरह चल रही है। दिल्ली सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है? दिल्ली सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, वो भी जब उनके बस में मेट्रो में हो, उसके बाहर सुरक्षित नहीं। आप केस उठा के देख लीजिए, गाजियाबाद ले लीजिए, आप इधर बदरपुर ले लीजिए, तुगलकाबाद ले लीजिए, कहीं कोई सेफ नहीं है। दिल्ली मेट्रो में, बस में क्यों सेफ है? बस क्या लगता है, जैसे कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, अब की बार दिल्ली की जनता क्या करने वाली, बदलाव या फिर रिपीट? मैम तख्ता पलट होगा इस बार, हाँ। इस बार बीजेपी की सरकार 100% आने वाली है, इस बार तख्ता पलट होगा, हाँ। केजरीवाल जी का सूबड़ा साफ हो जाएगा। किन मुद्दों पे आएगी? देखिए सबसे पहली चीज विकास पे आएगी, दूसरी बात क्लीननेस पे आएगी, और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है महिला सुरक्षा, जो कि महिला सुरक्षा इनसाइड आउटसाइड दोनों होना चाहिए, जो कि केजरीवाल सरकार अभी तक नहीं कर पाई है।
इन्होंने बस चला दिया, मेट्रो बना दी, उसके बिहाफ पे जो करना चाहते हैं उससे नहीं होता। ये पूरा इकोसिस्टम फैला हुआ उसके बिहाफ में होगा। आप युवा हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? मैं यूपीएससी कर रहा हूँ यहाँ से। यूपीएससी की, अभी जैसे यहाँ पर घटनाएं हुई थी, मौत हुई थी 3 बच्चों की और एक ही करंट लगकर, किसके कौन जिम्मेदार है? नहीं, उसके लिए तो पार्टिकुलर कोई सरकार नहीं जिम्मेदार है। हाँ। उसके लिए यहाँ के जो मतलब कि अपने नॉर्मल कोई भी रह रहा है या कोई पीजी वाले हैं, कोई ओनर है, वो उसके लिए जिम्मेदार है कि वो उनको कैटेगराइज करते हैं, वो उनको वो अलग बात है। बाकी इतना मैं जरूर बोलूंगा कि जिस हिसाब से ये सरकार चल रही है उस हिसाब से इनका सुबड़ा साफ होगा, नेक्स्ट साल फिर सरकार आएगी। फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। सॉरी, फ्री की रेवड़ियां, फ्री की सुविधाएं? नहीं, फ्री की सुविधाएं ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी चीजें, बट हमारी यूथ के लिए नहीं है। अच्छा। आप महिलाओं की बात छोड़ दें, यूथ में मेल के लिए क्या है? युवाओं के लिए कुछ किया है नितीश केजरीवाल? मेरे हिसाब से कुछ नहीं। मैं पीजी में रहता हूँ, 25,000 रुपए रेंट देता हूँ, 15,000 मैंने ब्रोकर्स दिया हुआ है। अगर कुछ नहीं, आप कुछ मत करें, ब्रोकरेज थोड़ा कम करवा दें। 25,000 में क्या क्या सुविधा है उस रूम के अंदर? उस रूम में फर्निश्ड आपको मिलेगा, बेडरूम मिलेगी। हाँ। एसी मिलती है। हाँ। कूलर मिलता है। हाँ। एसी आए दिन खराब रहती है, उसको हम बनवाते हैं अपने पैसे से। अच्छा। पानी बहुत गंदा आता है, मैं सरिता विहार रहता हूँ, उसमें करोल बाग हूँ। हाँ। पानी बहुत गंदा आता है, लाइट की समस्या नहीं, लाइट अच्छी आती है। भ्रष्टाचार करती है हमारी पार्टी बहुत ज्यादा। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो मैडम वो जेल में नहीं होते, कहने को IITN है। पर ये कहते हैं कि भाजपा आरोप लगा रही है, गलत आरोप, भाजपा आरोप नहीं लगा रही है। हाँ। आरोप जनता लगा रही है उनपे। भाजपा तो बस उसको दिखाना चाह रही है कि क्या एक्चुअली हो रहा है। भाजपा सही कहते हैं अरविंद केजरीवाल चोर है। मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग इस समय झेल रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पार्टिकुलर भाजपा कह रही है, आम आदमी पार्टी, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया दिल्ली में? आम आदमी पार्टी ने काम लाइक सेटिस्फैक्ट्री उतना तो नहीं है मेरे हिसाब से, उतना सेटिस्फैक्ट्री काम अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि अभी आप देखिए वो शराब घोटाले में अंदर है, तो मेरे हिसाब से उतना सेटिस्फैक्ट्री काम अभी नहीं किया। दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी या दिल्ली के लोग? देखिए, जीतेगी तो आम आदमी पार्टी, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। लाइक आम आदमी पार्टी ने इतना काम तो किया है कि वो अपनी दावेदारी फिर से पेश कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उतना बढ़िया काम नहीं किया जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था। जब 2000 सुरक्षित महसूस करते हैं? हम तो लड़के हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ। लेकिन जो घर की बेटियां हैं। हाँ। उनसे पूछना चाहिए कि वो सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं करती हैं। वारदातें होती हैं यहाँ पर? बहुत सारी वारदातें होती हैं, 12 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर निकलना ऑब्वियसली सेफ महसूस नहीं करती हैं। ट्रैफिक जैम की समस्या? ट्रैफिक, लेकिन उसमें अब वो उतना नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि ये करोल बाग एरिया है, ये लाइक कोचिंग का एरिया, पूरा स्टूडेंट्स क्राउड आता है यहाँ पे। तो अभी कुछ टाइम पहले ही आपको पता होगा कि यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था, प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसमें ऑब्वियसली वो मतलब स्टेप इन करके उस चीज़ को अच्छे से सुलझा सकते थे, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मतलब अच्छे से उनसे कम्युनिकेट हो सकता था। आतिशी आई तो थी यहाँ पर? आए थे, बट वो चीज़ उतने अच्छे से सॉल्व नहीं हुई, स्टूडेंट्स अभी भी प्रॉब्लम जो थी वो रिजोल्व नहीं हुई है। बातचीत करने के लिए करोल बाग विधानसभा में मौजूद थे और जानने के लिए आए थे कि आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ काम किया है और कितनी जनता उनसे खुश है। यहाँ तक कि छात्र बड़े परेशान दिख रहे हैं और कहते हैं कि हमसे 25,000 रुपये रेंट लिया जाता है सिर्फ एक छोटे से कमरे के लिए, अगर उसमें कोई भी एसी में खराबी होती है, पंखे में खराबी होती है, तो वो भी हम अपने पैसे से ठीक कराते हैं। और ट्रैफिक जैम की समस्या मैंने अभी आपको दिखाई यहाँ पर करोल बाग में कि यहाँ पर एक एक दो दो घंटे के लिए ट्रैफिक लग जाता है, पर अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता क्या करने वाली है, किसको जिताएगी और किसका जो है तख्ता पलट करेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार।